हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ही बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स का है। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रीट बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बच्चों ये क्या कह रहा है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रीट जो है लगातार निरंतर वो भय का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय जो है क्रियाकलाप जंगलों में बढ़ गया है, इसलिए जो है कि वो जंगली जो लाइफ है वो लगातार जो जानवर है वो डरे हुए हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, होप द बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट से क्या होप किया जा रहा होगा, निश्चित रूप से जानवरों के संरक्षण के बारे में होगा बच्चों। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4th जो है वो कंजर्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो निश्चित रूप से हेल्प करेगी किसमें, जानवरों के संरक्षण में। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एगोनी। एगोनी मीन्स होता है बच्चों दुख, यातना, और कंफर्ट मीन्स होता है बच्चों आराम। कंफर्ट मीन्स होता है आराम, तो एगोनी का एंटोनिम्स होगा बच्चों कंफर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एनक्लोजर टू कीप द बर्ड। जहां पक्षियों को रखा जाता है बच्चों उसको बोलते हैं अवियरी। पक्षियों को रखने के स्थान को अवियरी कहा जाता है बच्चों। और इसका जो होता है दूसरा होता है एन इंक्लोजर टू कीप द वीज, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसके लिए अपियरी शब्द का प्रयोग होता है बच्चों। एपियरी द प्लेस वेयर वीज आर केप्ट एंड अवियरी द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लोज टेस्ट। पहले भी ये पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं बच्चों। भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर। चार ऑप्शन है बच्चों, वर्ड्स बैड बेस्ट और वर्स्ट। बेस्ट तो होगा नहीं बच्चों क्योंकि ये कोई अच्छी त्रासदी तो थी नहीं, त्रासदी तो अच्छी होती ही नहीं बच्चों। चार ऑप्शन है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चूंकि पूरे विश्व की ट्रेजिडी से तुलना हो रही है इसलिए यहाँ सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट आएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 42 टन्स ऑफ मेथिल आइसोसाइनेट क्या हुआ था बच्चों, लीक हुआ था, तो इसलिए आपका लीक्ड करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी में गैस लीक हुई थी, तो यहाँ सीधे सीधे लीक्ड लिख देंगे और आपका सेकेंड आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रॉम द कंटेनर, फ्रॉम द कंटेनर चार ऑप्शन है। बिसाइड एड अक्रॉस अलॉन्ग द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, तो पूरे फैक्ट्री में फैला था बच्चों। जब गैस फैलती है तो चारों तरफ फैलती है इसलिए यहाँ अक्रॉस का प्रयोग होगा। एंड रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ, और उसने एक बादल गैस का बनाया, और एक कैसा बादल था, डेथली था बच्चों, घातक था, जानलेवा था, इसलिए आपका डेथली करेक्ट आंसर होगा। इट लेफ्ट अ लीगेसी, और इसके बाद इसने अपने पीछे क्या छोड़ा बच्चों, इंस्टेंट एंड। इंस्टेंट मीन्स होता है बच्चों तत्काल, और डिफर्ड मीन्स होता है बाद में, डिले, डेथ। इसने अपने पीछे क्या छोड़ा, तुरंत भी लोगों की मृत्यु हुई और बाद में भी मृत्यु हुई बच्चों। इस तरह से आपका डिफर्ड करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है रहा है, सेलेक्ट द रंगली स्पेट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जंबल सेंटेंस, और करेक्ट ऑर्डर में हमें सेट करना है, और यहाँ चार ऑप्शन है बच्चों, और ऑप्शन या तो बी से शुरू हो रहे हैं या तो ए से शुरू हो रहे हैं। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम। ऑफ देम मतलब ऑफ देम आया है बच्चों, इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस आया है जिसमें देम के लिए नाउन का प्रयोग किया गया है, तो ए तो नहीं होगा आपका, कोई स्टार्टिंग वर्ड ए नहीं होगा स्टार्टिंग सेंटेंस। तो हम लोग दो ऑप्शन यहां से कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन जो कि बी से शुरू हो रहे हैं, और देखिए पढ़ते हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विथ 1 बिलियन पीपुल लिविंग इन वाटर स्केयरसिटी। कह रहे हैं स्केयरसिटी मीन्स होता है बच्चों अभाव, ये आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा। कह रहे हैं इंडिया इज सफरिंग, इंडिया जो है फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्स्ट वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस फील फेस कर रहा है, जिसमें लगभग 1 बिलियन पीपुल जो है कि इसमें रह रहे हैं, ये जो वाटर क्राइसिस वाला एरिया है। इसके बाद भी आगे बता रहा है बच्चों, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, इसी 1 बिलियन में से जो 600 मिलियन है लिव इन एरिया हाई एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। मतलब कह रहा है 1 बिलियन लोग तो वाटर क्राइसिस एरिया में रह रहा है, मगर उसमें से जो 600 मिलियन लोग हैं वो हाई 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 एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वाले एरिया में रह रहे हैं।
तो इस तरह से आपका बी के बाद ए होगा, और उसके बाद बच्चों आपका डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बी के बाद ए और ए के बाद यहाँ डी दे रहा है, द रीजन ऑफ दैट, और इसका वजह क्या है, 24% इंडिया यूज द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, यूज किया जाता है, उसका 24% 24% अकेले इंडिया यूज कर लेता है, और दिस इज इवन मोर देन, और ये जो है वो ज्यादा है किससे, अकेले चाइना और यूएस को मिला के, चाइना और यूएस को मिला के जितना ग्राउंड वाटर यूज होता है उतना अकेले इंडिया कर जाता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है बच्चों, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्ब स्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज, डिसीज मीन होता है मृत्यु, किसी मृत्यु व्यक्ति के उसके जो टम्ब स्टोन, जो शिला लेख लिखी जाती है बच्चों, जिसी कब्र के पास जो शिला लेख लिखी जाती है उसको एपिटेफ कहते हैं बच्चों, एपिटेफ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इडियम्स, पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब होता है बच्चों काम डाउन, शांत होना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, और पहला ही ऑप्शन जो है बच्चों आपका एक्सपीरियंस, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये रॉन्गली स्पेल्ड है बच्चों, ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई होता है, जबकि आर आई एन सी ई कह रहा है, यहाँ ई गायब कर दिया है। तो इस तरह आपसे, इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट मींस होता है बच्चों महान, फेमस, और इसका एंटोनिम्स होगा बच्चों इनकॉन्स्पिकुअस, जिसका मतलब होता है तुच्छ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्पॉटिंग एरर का, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, बच्चों पहले भी हमने आपको बताया है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे चूंकि वन ऑफ द आया है तो नाउन है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यहाँ पे इसके साथ एस का प्रयोग होगा, इसको प्लूरल बना देंगे, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो जाएगा बच्चों, साइक्लोन्स। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ इनडेलिबल दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब जिसे डिलीट नहीं किया जा सके, जिसे मिटाया नहीं जा सके, वो होता है बच्चों आपका इनडेलिबल, और इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा बच्चों वो होगा इनरेजेबल, आप जानते हैं इरेज मतलब भी मिटाना होता है, और जिसे मिटाया ना जा सके वो इनरेजेबल होता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव फॉर्म का है, सेंटेंस पैसिव में दिया गया है, हमें एक्टिव फॉर्म इसका सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं बच्चों, देयर चिल्ड्रेन वर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर, बच्चों हमने आपको पहले भी बताया, सीधे सीधे आप वर्ब को देखिए, वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब एक्टिव वॉइस जो होगा बच्चों वो सिंपल पास्ट होगा, मतलब किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा बच्चों, वाक्य का ऑब्जेक्ट यहाँ साइलेंट है, दे ऑब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे दे के बाद सीधे सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप का प्रयोग होगा, ब्रिंग मींस होता है बच्चों ब्रिंग अप मींस लालन पालन करना, और इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ब्रॉट अप होता है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगा दे ब्रॉट अप, और जिस सेंटेंस में मिले बच्चों वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दे ब्रॉट अप फर्स्ट नंबर ऑप्शन मिल रहा है, दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रेन विद ग्रेट केयर, इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावण दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ एविल, ये कह रहे हैं बच्चों कि जो रावण का पुतला जलाया जाता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, और चार ऑप्शन में एपिटोमाइज है, पर्सनोफाइज है, इंटेंसिफाइज है, और सिंबोलाइज है बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि जो रावण का पुतला दहन किया जाता है वो सिंबोलाइज्ड होता है, वो प्रतीकात्मक होता है, और प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक में, तो यहाँ पे सिंबोलाइज आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर, बच्चों सेम वही है, फॉर का प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ टाइम आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा बच्चों, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह से फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, मतलब ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है बच्चों, इसका पैसिव सेलेक्ट करना है, एट नाइट लॉक द आउटर गेट,
बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है, सीधे सीधे लेट से स्टार्ट होगा। लेट द आउटर गेट जो आपका ऑब्जेक्ट है, आउटर गेट ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लेट द आउटर गेट। बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है लेट वाले सेंटेंस में, तो ये सीधे सीधे यही आपका करेक्ट आंसर होगा, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इडियम्स है बच्चों द कोल्ड सोल्जर, मतलब होता है बच्चों किसी को इग्नोर करना जानबूझ के, इग्नोर सम वन होगा आपका, सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का बच्चों है, एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वर गिवेन टू बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। एवरी एम्प्लॉई, एवरी एम्प्लॉई, एवरी के बाद बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ब के स्थान पे वाज होगा बच्चों, वाज होगा। एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वाज गिवेन होगा बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, ईच एवरी आइदर नाइदर सबके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, परंतु ईच के एवरी के या आइदर नाइदर के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगी मगर वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी बच्चों। इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ट्रिम्प, ट्रिम्प मीन्स होता है बच्चों विजय, और चार ऑप्शन है यहाँ पे, विक्ट्री आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन जो मिल रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, जंबल सेंटेंस। यहाँ भी देखिए बच्चों या तो सी से शुरू हो रहा है या तो ए से शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं, ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट इज समथिंग ऑफ द नेशनल ऑब्सेशन, और हमें लग रहा है यहीं से शुरू होगा। कह रहा है कि मैंगो जो सो कॉल्ड जो किंग ऑफ फ्रूट फलों का राजा कहा जाता है, ये नेशनल ऑब्सेशन है, एक तरह से राष्ट्रीय जो है ये ऑब्सेशन है, लत है। आइए बच्चों, और ए के बाद क्या है, डी है, ए के बाद डी है। 2017 प्रूव्ड टू बी वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर, कह रहे हैं 2017 जो है वो आम प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा प्रूफ हुआ। ए और डी तो यहां मिल गया बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं, इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग एंड डाउन सेल्स, और इससे पहले बी आएगा, देयर वाज अ बंपर कॉप ऑफ मैंगो इन डिफरेंट स्टेट। ये कह रहा है कि 2017 आम प्रेमियों के लिए अच्छा साबित हुआ। क्यों अच्छा साबित हुआ, क्योंकि बम्पर फसल हुई, बहुत ज्यादा फसल हुई, और इट रिजल्टेड, अब बहुत ज्यादा फसल हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ, प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो इस तरह से बच्चों बी के बाद सी आएगा, तो हमें लगता है ये फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका ए डी बी सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। और आपने बुक लिया कि नहीं बच्चों, यूनिक पब्लिशर्स से पब्लिश हुई है दिल्ली से, बहुत शानदार बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर, एसएससी के स्टूडेंट के लिए तो एक तरह से वरदान है बच्चों। जाइए उस बुक को देखिए, पढ़िए, और आपको अच्छी लगे तो जरूर लीजिए बच्चों। आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, कंडीशनल है बच्चों। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इंप्रूव योर इंग्लिश, कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों। इफ के साथ जो क्लास शुरू होती है वो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगी, मगर दूसरी क्लास क्या होती है बच्चों, फ्यूचर इंडिफिनिट में होती है, और इट इंप्रूव की जगह इट विल इंप्रूव होगा। क्या होगा बच्चों, इट विल इंप्रूव बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय।